अस्सलाम वालेकुम, किचन विद नाज में सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश। चलो अब दाल गोश बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। दाल गोश बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 750 ग्राम अच्छी तरह से वॉश किया गया बकरे का गोश। साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पे स्लाइस में कटी हुई 3 मीडियम साइज की प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और तेल। यहाँ पे हम अदरक लहसुन की पेस्ट बनाएंगे। गैस पर हमने एक बर्तन गरम करने के लिए रखा है। जैसे हमारा बर्तन गरम होता है, अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। हाई टू मीडियम फ्लेम पे जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है, अब हम उसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। यहाँ पे हमें प्याज का कलर चेंज होने तक प्याज को भून कर लेना है। अब हम उसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भून कर ले लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल रिलीज हो रहा है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। हरी मिर्च का इस्तेमाल आप आपके हिसाब से करिए। अब हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और उसके साथ ही ऐड करेंगे नमक। नमक का इस्तेमाल भी स्वादानुसार करना है। कड़े मसाले 3-4 तेज पत्ता, हमने यहाँ लिया है 1 छोटा चम्मच जीरा, लवंग, 2 काले मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी। अब हम ऐड करेंगे अच्छी तरह से वॉश किया गया हुआ गोश्त। गोश्त को हम डायरेक्ट ही यूज कर रहे हैं, ना कि हमने इसको हल्दी नमक से मैरिनेट किया है। प्याज, टमाटर और गोश का पानी छूटेगा, इसके लिए हम पानी का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूसली स्टीर करते हुए हमें हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनना है। अब हम कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे गोश को अच्छी तरह से पका कर लेंगे। गोश को पकने तक हम दूसरे साइड में दाल बना कर लेंगे। यहाँ पे हमने 3 दालों का इस्तेमाल किया है, तुअर दाल, मसूर दाल और मूंग दाल। तीनों दालों की क्वांटिटी हमने सेम ही रखी है। अच्छी तरह से वॉश करके तीनों दालों को कुक करने के लिए हम कुकर में ऐड कर रहे हैं। उसके साथ ही हल्दी पाउडर, स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक, चुटकी भर हींग और 1 छोटा चम्मच ऑयल। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके दाल को अच्छी तरह से गला कर लेंगे। जब दाल गलती है तब तक हम गोश्त को भी बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, जीरा और थोड़ा सा गर्म मसाला। मसाले नीचे ना चिपके, इसके लिए अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ पुदीना, धनिया और थोड़ा सा करी पत्ता। दाल गोश में डालने के लिए हमने यहाँ ली है थोड़ी सी इमली। इमली को हम 10 से 15 मिनट तक नॉर्मल पानी में सोक करके रखेंगे। हम यहाँ कटी हुई लौकी ऐड करेंगे। अब हमें एक बार लौकी और गोश्त पका है कि नहीं ये अच्छे से चेक करके लेना है। फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे हमारी अच्छी तरह से गली हुई दाल। उसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 1 ग्लास गरम पानी। और आखिर में ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबलस्पून एगिकानी का दाल गोश मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करिए। यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं इमली का खट्टा पानी। यहाँ पे हम सभी मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे
10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से लगाने जा रहे हैं हम तड़का। पैन में हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, गैस के फ्लेम को बंद करके हम उसमें ऐड करेंगे करी पत्ता और लाल मिर्च पाउडर। अब हम लगाएंगे तड़का। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे हमारा दाल गोश्त बनके रेडी हो चुका है। जीरा राइस को हम दाल गोश्त के साथ सर्व करने जा रहे हैं। तली हुई प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया से हम यहाँ गार्निश करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।